हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉकेट होस्टिंग के बारे में। तो रॉकेट एक बहुत ही फास्ट होस्टिंग है, रॉकेट वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग है। तो यहाँ पर आप सिर्फ वर्डप्रेस होस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट की स्पीड मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगी, आपकी वेबसाइट बहुत ही कम समय में लोड हो जाएगी। तो यहाँ पर रॉकेट की वेबसाइट पर चलते हैं। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, अगर आपको ये होस्टिंग परचेस करनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी अफिलिएट लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक पे होस्टिंग बाय करोगे, आपको फर्स्ट मंथ सिर्फ $1 में मिल जाएगा। तो आप टेस्ट कर सकते हो कि ये होस्टिंग कितनी फास्ट है। अगर आपको बाद में परचेस करना है तो आप उसे रिन्यू करा सकते हो, वरना आपका जो फर्स्ट मंथ है वो सिर्फ $1 में मिल जाएगा आपको। तो अब बात करते हैं रॉकेट होस्टिंग के फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको ग्लोबल CDN मिल जाएगा विथ फुल पेज कैचिंग, और इसमें यहाँ पर क्लाउड पर इंटरप्राइज यूज़ किया हुआ है। तो इससे आपकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा फास्ट लोड होगी, और इसको इनेबल करने के लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा प्लगइन भी ऐड करना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ रेगुलर जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, और जो सब प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेना होगा। तो यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर जो है इसमें आपको क्लाउड पर इंटरप्राइज मिलता है। तो यहाँ पर इसकी आप प्राइस देख सकते हो 6,000 पर डोमेन। तो ये बहुत ही अच्छी है प्राइस, इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर रॉकेट डॉट नेट में जो आपका वो फर्स्ट वाला प्लान है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपकी वेबसाइट इससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट लोड होगी। इसके बाद इसमें और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं यहाँ पर देखते हैं। आपकी वेबसाइट को ब्रूटली कंप्रेशन मिलेगा, इसके बाद आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन फ्री में मिलेगा, इसके बाद टीचिंग, और इसके लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अगर आप ये होस्टिंग यूज़ करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ नहीं करना होगा, जैसे कि फायरवॉल का प्लगइन हो गया या सिक्योरिटी का प्लगइन, कैचिंग का प्लगइन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन या CDN का भी कोई एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ नहीं करना होगा। तो यहाँ पर ये FAQ में सेक्शन में ये है व्हाट इज क्लाउड फॉर एंटरप्राइज। तो जो क्लाउड फॉर एंटरप्राइज है तो उससे आपकी स्पीड, आपकी वेबसाइट की स्पीड एकदम ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी यहाँ पर ये देख सकते हो वैल्यू, टिपिकल स्टार्ट सेट 6,000 पर मंथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, लेकिन रॉकेट के जो होस्टिंग है उसमें आपको $30 वाला जो फर्स्ट प्लान है उसमें भी आपको ये फ्री में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या फीचर्स है। तो रॉकेट होस्टिंग में आपको HTTP 2 एंड HTTP 3 का सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर आपकी वेबसाइट HTTP 1 पे है तो आपकी वेबसाइट का जो भी कंटेंट होगा, जो HTML कोड है, CSS कोड है, वो जो इमेजेस है, वो उसकी विजिटर को एक एक फाइल सेंड होगी। मतलब सबसे पहले एक फाइल पूरी सेंड होगी, उसके बाद दूसरी फाइल सेंड होना स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आपकी होस्टिंग पे HTTP 2 या HTTP 3 इनेबल है तो एक साथ सब फाइल लोड होगी, और इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद इसमें आपको ब्रॉडली कंप्रेशन भी मिलेगा, तो इससे जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट है लाइक HTML, CSS और JavaScript, तो ये कंप्रेस होकर सेंड होगा। तो इससे आपकी वेबसाइट और भी स्पीड होगी, और आपकी वेबसाइट की जो ओवरऑल साइज है वो कम हो जाएगी, तो आपकी वेबसाइट इससे फास्ट लोड होगी। इसके बाद इसमें स्मार्ट राउटिंग का भी फीचर है। इसका मतलब जो आपकी वेबसाइट का विजिटर है उससे जो सबसे करीब वाला लोकेशन है वहाँ से आपकी वेबसाइट की फाइल उसे सेंड होगी, तो जो लेटेंसी मिलेगी वो एकदम कम होगी और आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होगी। इसके बाद देखते हैं, इसमें आपको ग्लोबल वेबसाइट फायरवॉल मिल जाएगा, लोकल वेबसाइट फायरवॉल, इसके बाद रियल टाइम मेलवेयर स्कैनिंग एंड पेचिंग। मतलब अगर आपकी वेबसाइट पे कोई मेलवेयर या वायरस आ जाता है तो इसे ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा सिस्टम से। तो अगर आपको लगता है कि कुछ सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सका तो आप लाइव चैट से सपोर्ट से भी बात कर सकते हो, वो आपकी वेबसाइट का मेलवेयर या जो वायरस जो भी है वो फ्री में रिमूव कर देंगे। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेट्स है जहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखते हो कि जो रॉकेट होस्टिंग की TTF भी है, मतलब टाइम टू फर्स्ट बाइट 7 TMS है। तो टाइम टू फर्स्ट बाइट का मतलब है जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है और जो रिक्वेस्ट होती है सब
जैसे कि इमेजेस या कोड या HTML CSS ऐसे, तो उसकी एक रिक्वेस्ट होती है, मतलब होस्टिंग जब रिप्लाई देती है। मान लो कि आप कोई पर्सन से बात कर रहे हो और जब कोई पर्सन आपको फर्स्ट मैसेज रिप्लाई देता है, ऐसे ही तरह होस्टिंग में भी ऐसा होता है। आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आया और होस्टिंग जो विजिटर को फर्स्ट फाइल सेंड करता है उसके बीच का जो टाइम होता है उसे कहते हैं TTFB। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि अगर कोई किसी ने रॉकेट होस्टिंग पे माइग्रेट किया तो उसमें TTFB का उसको 233% का ग्रोथ मिलेगा, मतलब और ज़्यादा वेबसाइट फास्ट लोड होगी। तो इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसके प्राइसिंग और प्लान्स के बारे में। तो यहाँ पर ये सब दिखाई देगा प्राइसिंग वाले पेज पे। तो यहाँ पर इसके में चार प्लान अवेलेबल है, स्टार्टर, प्रो, बिजनेस एंड एजेंसी। तो स्टार्टर वाला प्लान की प्राइस है $30 पर मंथ, प्रो वाला प्लान की प्राइस है $60, बिजनेस की $100 एंड एजेंसी की $200। तो अगर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में गए हुए लिंक से आपको ये वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको फर्स्ट मंथ $1 में मिल जाएगा, क्योंकि आपको कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं करना होगा। तो आप फर्स्ट मंथ में आपकी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको ये होस्टिंग रखना है या नहीं। मतलब आप एक तरह से ट्राई कर सकते हो ये होस्टिंग को कि मुझे ये होस्टिंग मेरी वेबसाइट के लिए सही रहेगी या नहीं। तो इसके बाद यहाँ पर प्लान्स में देखते हैं कि ये फर्स्ट वाले प्लान में एक वेबसाइट आप इंस्टॉल कर सकते हो, वर्डप्रेस वेबसाइट। इसके बाद इसमें आपको 2.5 लाख की विजिट मिलेगी, 10 GB का स्टोरेज एंड SSL CDN और फायरवॉल, तो वो तो सब प्लान मिल जाएंगे। इसके बाद प्रो प्लान में 3 वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हो, आपको 1 मिलियन की विजिट्स मिलेगी। इसके बाद बिजनेस प्लान में 10 वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हो, 2.5 मिलियन की विजिट मिलेगी। एजेंसी वाले प्लान में 25 वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हो एंड 5 मिलियन विजिट मिलेगी। और यहाँ पर ये स्टोरेज आप यहाँ पर देख सकते हो, बिजनेस वाले प्लान में 40 GB है, इसके बाद एजेंसी वाले प्लान में 50 GB स्टोरेज है। तो मेरे हिसाब से स्टोरेज थोड़ा कम है, लेकिन अगर आपके पास कोई नॉर्मल वेबसाइट है तो आसानी से इतना स्टोरेज में चल जाएगा। अगर आप कोई डाउनलोडिंग वेबसाइट चलाते हो तो आप थोड़ा स्टोरेज में दिक्कत आ सकती है। और अगर आपके पास 25 से ज़्यादा वेबसाइट है तो आपको सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करना होगा, वो आपको स्पेशल प्राइसिंग बता देंगे। तो यहाँ पर इसका और भी कंपेरिजन देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो मंथली विजिट होती है उसमें मान लो कि कोई आपकी वेबसाइट पे एक विजिटर आया और उसने आपका होम पेज विजिट किया तो वो काउंट होगी फर्स्ट विजिट। इसके बाद उसने दूसरा आपका कोई ब्लॉग पोस्ट ओपन किया, आपका कोई पेजिस ओपन किया, तो उसकी विजिट काउंट नहीं होती, मतलब यूनिक विजिट काउंट होगी। तो जो कोई पर्सन एक बार आएगा तो उसको एक बार होगा, बाद में चाहे वो कितने भी पेजेस ओपन कर ले तो उसको सिर्फ एक ही विजिट काउंट होगी। इसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पे कोई दो विजिटर आते हैं और दोनों ने मिलकर 5 पेजेस विजिट की है तो आपको सिर्फ दो ही विजिट काउंट होगी, 5 विजिट काउंट नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर आप डिस्क स्पेस देख सकते हो सरप्राइजिंग में। इसके बाद ये बैंडविड्थ आपको स्टार्टर वाला प्लान में 50 GB, प्रो प्लान में 100 GB एंड बिजनेस प्लान में 300 GB एंड एजेंसी प्लान में 500 GB। इसके बाद सभी प्लान में आपको 99.99% की अप टाइम गारंटी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब आपकी वेबसाइट कभी भी डाउन होने का चांस नहीं है। और इस अगर आपकी वेबसाइट कभी डाउन होगी तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि इसमें क्लाउडफ्लेयर का ऑलवेज ऑन अवेलेबल है। तो आप अगर आपकी वेबसाइट कभी होस्टिंग की तरफ से डाउन होगी तो क्लाउडफ्लेयर आपके रिक्वेस्ट हैंडल कर लेगा और आपकी वेबसाइट डाउन होने का कोई इश्यू ही नहीं है आपको। इसके बाद इसमें आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मतलब आपको कुछ कॉन्फिगर भी नहीं करना होगा, आपको इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए कुछ करना ही नहीं होगा। जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे उसके साथ ऑटोमेटिकली SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद CDN के लिए भी ऐसा है, सभी प्लान में CDN मिल जाएगा। और अगर आप CDN यूज़ करना चाहते हो तो कोई प्लगइन या कुछ भी आपको करना नहीं होगा, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। इसके बाद सभी में फायरवॉल मिल जाएगा और सभी वेबसाइट एक साथ 20+ लोकेशन पे होस्ट होगी। तो आपके विजिटर के जो भी करीब वाला लोकेशन होगा वहाँ से आपके विजिटर को आपकी वेबसाइट की फाइल सेंड होगी और आपकी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव होगी इससे। इसके बाद सभी में क्लाउड फॉर प्रीमियम एज नेटवर्क मिलेगा। इसके बाद सभी प्लान में आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी मिलेगी। तो इससे आपको लगता है कि नहीं ये होस्टिंग ज़्यादा कॉस्टली है, मुझे ये अच्छी नहीं लगी, तो आप इसे मनी बैक गारंटी से अपने जो आपकी मनी स्पेंड की वो आपको वापस मिल सकती है। इसके बाद इसमें आपको माइग्रेशन फ्री में
में मिलेगा। मतलब अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट कहीं और पे इंस्टॉल है तो आपको सपोर्ट से बात करना है कि मुझे ये मेरी वेबसाइट है, और आपको अपना एडमिन का जो यूज़र नेम और पासवर्ड वो सब डिटेल्स देनी होगी। इसके बाद जो आपकी वेबसाइट है वो रॉकेट होस्टिंग पे माइग्रेट कर देंगे 2 दिन में, और आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना होगा। इसके बाद इसमें ऑप्टिमाइज गूगल फॉन्ट्स का भी फीचर मिलेगा। मतलब आपकी वेबसाइट पे आपने कोई गूगल फॉन्ट्स यूज़ करा होगा तो अभी के टाइम पे तो सभी यूजर्स अपने वेबसाइट पे गूगल फॉन्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सब आपकी वेबसाइट को कुछ आपको डिज़ाइन के लिए कुछ अच्छा फॉन्ट्स यूज़ करना होगा, और वो गूगल फॉन्ट्स में फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पे गूगल फॉन्ट्स ऐड करते हो तो आपकी वेबसाइट पे एक और ज़्यादा रिक्वेस्ट ऐड होगी, और आपकी वेबसाइट इससे थोड़ी स्लो हो सकती है। लेकिन अगर रॉकेट होस्टिंग पे आपकी वेबसाइट है तो जो रॉकेट की होस्टिंग है वह जो जो भी फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो उसे आपकी वेबसाइट का CDN पे होस्ट कर देगा, और जो एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आप गूगल फॉन्ट्स पे भेज रहे थे वो आपकी वेबसाइट पे होगी, और इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव हो सकती है। इसके बाद इसमें ऑटोमेटिक डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको मल्टी साइट का सपोर्ट चाहिए तो आपको स्टार्टर वाला प्लान में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको प्रो बिजनेस एजेंसी वाला प्लान लेना होगा। इसके बाद सभी प्लान में ऑटोमेटिक डेली बैकअप्स मिल जाएगा, यानी कि एवरी नाइट को एक ऑटोमेटिकली बैकअप लेगा रॉकेट का होस्टिंग, और उसे आप कभी भी रिस्टोर कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको मैन्युअली बैकअप करना है, मतलब आपको दिन में या कभी आपको कुछ थीम चेंज करना है या कुछ चेंजेस करने हैं आपकी वेबसाइट पे, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसे आप बैकअप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो मैंने थीम चेंज करी वो सही नहीं लग रही, तो आप इसे वन क्लिक में रिस्टोर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं बैकअप रिटेंशन। इसका मतलब यह है कि जो ऑटोमेटिक डेली बैकअप्स होंगे वो 14 दिन तक रहेंगे। तो आपको लगता है कि नहीं मुझे 7 दिन वाला 7 दिन पिछला वाला वर्जन चाहिए, 10 दिन पिछला वाला वर्जन चाहिए, तो आप इजीली ले सकते हो। मतलब आपकी वेबसाइट पे 14 डेज तक जो बैकअप है वो रॉकेट के होस्टिंग के पास रहेगा, तो आप उसे कभी भी बैकअप कर सकते हो। इसके बाद सभी प्लान में 24/7 लाइव चैट सपोर्ट मिलेगा, तो हम सपोर्ट की जो स्पीड है वो टेस्ट करेंगे वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हो और आपको पता चलेगा कि सपोर्ट की स्पीड कैसी है और कैसे सपोर्ट बात करता है। इसके बाद अगर आपको 24/7 फोन सपोर्ट चाहिए तो इसके लिए आपको बिजनेस या एजेंसी वाला प्लान लेना होगा। इसके बाद 24/7 ईमेल सपोर्ट तो सभी प्लान में मिल जाएगा। इसके बाद एक एन मेल रिमूवल तो ये सभी प्लान में मिल जाएगी। इसके बाद मल्टी यूजर सपोर्ट तो ये भी आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी और पर्सन को आपकी होस्टिंग का एक्सेस दे सकते हो, और उसे एक्सेस देने के लिए आपको अपना ईमेल और पासवर्ड भी नहीं देना होगा। आप उस पर्सन का ईमेल और पासवर्ड यूज़ कर सकते हो, तो इससे आपका जो खुद का पर्सनल ईमेल एंड पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना होगा। इसके बाद फ्री स्टेजिंग इंस्टॉल तो वो भी वीडियो के ट्यूटोरियल में आपको बता दूंगा कि कैसे स्टेजिंग इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद PHP वर्जन तो इतने सारे PHP वर्जन अवेलेबल है, 5.6 से लेकर 7.4 और 8.0 भी अवेलेबल है, लेकिन ये वर्डप्रेस के साथ अभी फुली कंपेटेबल नहीं है, तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा। मैं आपको ट्यूटोरियल में दिखा दूंगा कि कैसे आप 8.0 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद SSH एक्सेस आपको मिलेगा, गिट इंटीग्रेशन, इसके बाद SFTP। इसके बाद सभी प्लान में आपको ऑटोमेटिक WP कोर अपडेट्स मिल जाएंगे, यानी कि आप जैसे कि वर्डप्रेस का वर्जन आता है 5.7, 5.7.1, 5.7.2, तो इसमें ये सब फीचर इनेबल करने से आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। इसके बाद प्लगइन्स का भी आप ऑटोमेटिक अपडेट्स इनेबल कर सकते हो, थीम का भी इनेबल कर सकते हो। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट का फाइल मैनेजर एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद आपको विजिटर का पूरा एनालिटिक्स मिलेगा। इसके बाद ब्रूटली कंप्रेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ब्रूटली कंप्रेशन से आपकी वेबसाइट का HTML कोड या CSS कोड या JavaScript कोड होता है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, तो इससे आपकी वेबसाइट की ओवरऑल पेज साइज कम होगी एंड आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होगी। इसके बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्रोन जो ऐड करना है तो वो भी आप इजीली ऐड कर सकोगे, वो ट्यूटोरियल में बता दूंगा आपको। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ FAQ है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसे, और आपको जो भी प्लान आपके हिसाब से सही है वो आपको प्लान चूज कर लेना है। तो आपको मान लो कि आपने ये प्रो वाला प्लान चूज किया, तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल अकाउंट और यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद आपको आपके सामने ऐसा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो बिलिंग डिटेल्स है और वो सब डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर ऐसे स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा हूँ कि ऐसे आपको पेमेंट कर देना होगा। तो
तो यहाँ पर इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्लाउड फेयर एंटरप्राइज वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो क्लाउड फेयर एंटरप्राइज की प्राइजिंग है वो 6,000 पर डोमेन के लिए, लेकिन अगर आप रॉकेट होस्टिंग से लोगे तो आपको ये $30 वाले प्लान में भी मिल जाएगा, यानी कि बहुत ही चीप में मिल जाएगा। तो वीडियो के एंड में आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा कि होस्टिंग कितनी फास्ट है और ये क्लाउड फेयर एंटरप्राइज का क्या बेनिफिट हो सकता है आपकी वेबसाइट के लिए। इसके बाद मेरे पास अभी तो पहले से होस्टिंग है, तो मैं यहाँ पर उस अकाउंट में आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। तो गाइस जो रॉकेट होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है वो एकदम सिंपल है, देख सकते हो कि मेरा जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो चुका है और ये एकदम क्लीन है और इजी टू नेविगेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक साइट वाला प्लान है। इसके बाद आप देख सकते हो कि मुझे 2.5 लाख के विजिटर्स की मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर देख सकते हूँ कि मेरे कितने विजिट्स हुए। इसके बाद मेरा डिस्क यूजेस यहाँ पर देख सकता हूँ, इसके बाद बैंडविड्थ यूजेस। तो सबसे पहले अभी हम करते हैं क्रिएट अ साइट। तो आपको वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है ये यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा क्रिएट साइट। तो यहाँ पर आपको साइट नेम में आपकी वेबसाइट का नाम डालना होगा, मैं यहाँ पर अभी डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्वर लोकेशन चूज करना होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हो जो भी आपके विजिटर के करीब हो। आपको ऐसा अपने खुद के करीब वाला सर्वर चूज नहीं करना, लेकिन आपको अगर आपने यूएसए के लिए वेबसाइट बनाई है तो आपको यूएस वाला सर्वर चूज करना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट एशिया के लिए है तो आपको एशिया वाला सर्वर चूज करना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया का भी है, इसके बाद यूरोप का भी सर्वर है। तो आपको जैसे आपके अकॉर्डिंग, आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप सर्वर चूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर अभी डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो इंस्टॉल पाथ है यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना। इसके बाद यहाँ पर आपको एडमिन यूजर नेम डालना है, तो मैं यहाँ पर अभी डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड कॉपी करना होगा, मैं यहाँ पर पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको एडमिन ईमेल डालना है, तो मैं यहाँ पर अभी नया एडमिन ईमेल डाल देता हूँ। इसके बाद आपकी वर्डप्रेस की डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर अभी इंग्लिश ही रहने देता हूँ। और अगर आपको आपकी वर्डप्रेस के साथ वूकॉमर्स भी इंस्टॉल करना है तो आप ये ऑप्शन इनेबल कर दीजिए। तो मुझे अभी वूकॉमर्स इंस्टॉल नहीं करना है, तो इसे मैं डिसेबल ही रहने देता हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये स्टेप थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तो आपका वर्डप्रेस पूरा इंस्टॉल होगा और ये सभी फाइल्स और सब ये सब आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं तभी के लिए वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी है और ये प्रोसेस होने में तकरीबन 30 सेकंड्स का टाइम लगा। तो आपके इंस्टॉल होने में थोड़ा और भी टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो यहाँ पर अभी कैसे नेविगेट करते हैं तो ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से आप जो कैच है वो क्लियर कर सकते हो। इसके बाद अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है वो एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद और यू में आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट का एनालिटिक्स देखने को मिल जाएगा, मतलब कितने विजिटर्स आए और ये सब। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ इंफॉर्मेशन है, मतलब आपका सर्वर कौन सा है, इसके बाद एफटीपी एड्रेस, एसएफटीपी यूजर नेम और ये आपका लोकेशन, इसके बाद डिस्क यूजेस, बैंडविड्थ यूजेस। इसके बाद अगर आपको एफटीपी अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपको अपना डोमिनेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा गेट स्टार्टेड पे। तो यहाँ पर आपको आपका जो डोमेन है वो डोमेन डाल देना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके गाइस, तो ये आपको रिकॉर्ड एड करने होंगे आपका जो डोमेन प्रोवाइडर है वो। तो मेरा डोमेन अभी नेमचीप में है,
तो आपको सेम प्रोसेस यही सेम प्रोसेस करनी होगी। अगर आपका डोमेन और किसी प्रोवाइडर में है, जैसे कि गोडडी, नेमचीप या होस्टिंग जैसे और कोई में, तो यहाँ पर आपको ये सीनेम रिकॉर्ड एड करना है। तो यहाँ पर आपको इसे ऐसे कॉपी करना होगा। इससे पहले शायद हो सकता है कि आपको कोई और TXT रिकॉर्ड एड करने को भी बुलाया जाए, तो आप TXT रिकॉर्ड भी ऐसे ही एड कर सकते हो। तो मेरा डोमेन अभी नेमचीप में है, तो मैंने यहाँ पर अपना डैशबोर्ड ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर मैं इसे ये रिकॉर्ड एड करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको एडवांस DNS पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये मैंने टेस्टिंग के लिए पहले रिकॉर्ड एड करके रखे थे, तो ये मैं पुराने वाला रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एड न्यू रिकॉर्ड। तो इसमें आपको सीनेम रिकॉर्ड चूज करना होगा। होस्ट में जो हमने अभी वो कॉपी किया था वो डाल देते हैं। इसके बाद आपको नेम में एड डालना है और वैल्यू में जो कॉपी किया था वो, तो यहाँ पर आपको एड डालना होगा। एंड यहाँ पर टारगेट में आपको जो हमने को कॉपी किया था वो, इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली रहने देना है। इसके बाद इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो मैंने TXT रिकॉर्ड है वो पहले ऐड करके रखा था, आपको भी सबसे पहले TXT रिकॉर्ड ऐड करने को बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एड न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ से आप TXT रिकॉर्ड सिलेक्ट कर सकते हो और जो सब वैल्यू है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये रिकॉर्ड ऐड करने के बाद आपको एक बार देख लेना है कि आपका जो डोमेन है वो उसके नेम सर्वर क्या है। तो यहाँ पर मैं अभी दिखाई देता हूँ। तो आपको अगर आपके होस्टिंग के नेम सर्वर है वो किसी और होस्टिंग के पे कनेक्ट है, तो आपको उसे रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर मेरा जो मैंने ये नेम सर्वर यहाँ पर नेमचीप पे के जो बेसिक है वो रखे हैं, तो आपको ये भी नहीं रखना है नेमचीप वेब होस्टिंग या कस्टम DNS कोई भी नहीं रखना। आपका जो भी वो डिफॉल्ट नेम सर्वर है वो ही रहने देना है। इसके बाद ये सब रिकॉर्ड एड करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना हुआ है अपडेटेड माई DNS पे। ओके, तो आप देख सकते हो योर DNS हैज बीन सक्सेसफुली कॉन्फिगर्ड एंड योर साइट इज नाउ लाइव। तो हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। तो इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर प्लगइन्स में, तो यहाँ पर आपके जो वर्डप्रेस वेबसाइट के जो भी प्लगइन्स है वो सभी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपको इसे डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। इसके बाद अगर वो डीएक्टिवेट प्लगइन है तो यहाँ पर आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर थीम्स में, तो यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट की वो थीम्स है वर्डप्रेस वेबसाइट की, तो वो यहाँ पर आप दिखाई देंगे और उसे मैनेज कर सकते हो। इसके बाद बैकअप्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट पर आप कोई चेंज करने वाला हो और आपको लगता है कि आपको बैकअप ले लेना चाहिए, तो आपको यहाँ पर बैकअप पे सेक्शन पे आके मैनुअल बैकअप के आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट बैकअप, तो आप यहाँ से बैकअप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक बैकअप का भी ऑप्शन है, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो बैकअप है वो डेली ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा और वो 40 डेज तक रहेगा, तो उसे आप 40 डेज के अंदर कभी भी रिस्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर एवरी नाइट को एक बैकअप क्रिएट होगा और टोटल आपके ऐसे ही 40 बैकअप्स हो गए, तो आप उसे कभी भी रिस्टोर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग में आपको ये CDN और फायरवॉल के सब टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एडवांस में अगर आपको PHP माई एडमिन एक्सेस करना है और अगर आपको PHP का वर्जन चेंज करना है तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसके बाद आपका जो वर्डप्रेस का कोर अपडेट है वो ऑटो अपडेट रखना है या ऑफ करना है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसके बाद ऑटो अपडेट थीम्स एंड प्लगइन्स, तो वो यहाँ पर यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद अगर आपकी वेबसाइट को SSH एक्सेस करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद क्रोन जो बेट करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। इसके बाद SSH की आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और अगर आपको आपकी वेबसाइट को भी डिलीट करनी है और अगर आपके प्लान में सिर्फ एक ही वेबसाइट है और आप उसे डिलीट करके कोई और वेबसाइट ऐड करना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन होगा डिलीट साइट का,
यहाँ से आप जो ये वेबसाइट है इसे डिलीट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको आपकी वेबसाइट का जो स्टेजिंग वेबसाइट क्रिएट करना है तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन है क्रिएट स्टेजिंग पे, तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं ये प्रोडक्शन मोड में, इसका मतलब वेबसाइट हमारी लाइव है। तो आपको यहाँ आपको स्टेजिंग क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा क्रिएट स्टेजिंग पे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी सभी जो आपकी पूरी वेबसाइट है वो कॉपी होगी और आपको एक नई वेबसाइट मिलेगी, तो वहाँ से आप जो सब चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्शन मोड है, तो यहाँ पर क्लिक करने से हमें स्टेजिंग वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इंस्टॉलेशन स्टेजिंग हैज बीन सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसके बाद हमें जो स्टेजिंग वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो ये जो हमारी वेबसाइट है वो स्टेजिंग वाली वेबसाइट है, तो आपको कोई भी चेंजेस करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो इसमें आप सब आपको एक नया डैशबोर्ड मिलेगा, जो अभी आप बैकअप्स और ये थीम्स हो स्टेजिंग वेबसाइट के लिए अलग सेक्शन होगा। और अगर आपको लगता है कि जो हमारा स्टेजिंग का काम है वो सक्सेसफुली हो चुका है तो आप यहाँ से इसे पब्लिश कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको स्टेजिंग डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको कभी आपकी जो मेन वेबसाइट है उस पर नेविगेट करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्शन मोड का, तो इसे चूज करते हैं जो आपकी लाइव वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड पे आप पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी स्टेजिंग वेबसाइट है, तो अभी हम हमारी लाइव वेबसाइट को एक्सेस करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये टाइम लोड होगा। ओके, तो ये जो हमारी लाइव वेबसाइट है, तो यहाँ पर इसमें कुछ प्लगइन्स पहले इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पर भी सभी प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। आपको भी जो भी प्लगइन रखना है उसे रख सकते हैं और जो डिलीट करना है उसे डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी प्लगइन डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ओके गाइस, तो ये मैंने जो सभी प्लगइन्स थे वो डीएक्टिवेट कर दिए। इसके बाद अगर मैं आपको ये जो होस्टिंग का डैशबोर्ड है वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये स्टेट्स दिखाई देंगे आपकी वेबसाइट के। इसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका जो अभी वाला कौन सा प्लान है वो सब डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डेट, इसके बाद आपका जो अमाउंट कितना है, इसके बाद आपका बिलिंग साइकिल, और इसके बाद आपका नेक्स्ट पेमेंट कब है वो, इसके बाद आपका पेमेंट मेथड एंड कौन सा वाला प्लान है वो यहाँ से आपको पता चलेगा। इसके बाद अगर आपको प्लान अपग्रेड या डाउनग्रेड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको आपका जो प्लान है वो कैंसिल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड में ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपके इनवॉइस और ये कोट्स, तो ये सब इसका ऑप्शन अभी यहाँ मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर टिकट्स में जो आपने आपकी वेबसाइट के सपोर्ट के लिए जो टिकट्स ओपन की होगी तो उसका ऑप्शन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद रोकड होस्टिंग की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट होंगे तो ये सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद नॉलेज बेस है, डाउनलोड है, नेटवर्क स्टेटस, तो यहाँ पर जो होस्टिंग का कोई इश्यू होगा तो आपको यहाँ पर देखना होगा नेटवर्क स्टेटस में, तो जो रोकेट होस्टिंग का आप पता चल जाएगा स्टेटस कि वो अभी होस्टिंग डाउन है या सिर्फ आपकी वेबसाइट पे ही दिक्कत है। इसके बाद अगर आपको सपोर्ट के लिए कोई टिकट ओपन करना है तो आपको यहाँ पर ओपन टिकट पे क्लिक करना होगा और आप इसीलिए टिकट ओपन कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोई नोटिफिकेशन होगी तो यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई फ्यूचर रिक्वेस्ट एड करना है, मतलब आपको कोई फ्यूचर चाहिए रॉकेट की होस्टिंग में, तो आप यहाँ पे इजीली एक्सेस, यहाँ पर आप जो फॉर्म है वो सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि कैसे ऐड करना है आपको। ओके, तो देख सकते हो कि जो पहले से कुछ लोगों ने यहाँ पर इतने सारे रिक्वेस्ट ऐड करके रखी है, तो आपको जो आपका टाइटल है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको डिटेल्स एंड इमेजेस है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसे पब्लिश कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोई और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपको कोई फीचर अच्छा लगा तो इस पर आप वोट कर सकते हो और वो रॉकेट होस्टिंग वाला देखेंगे, और जो अगर आपका फीचर उसे हो सकता है तो वो ज़रूर आपके ऐड कर देंगे। इसके बाद आप पेमेंट मेथड और अकाउंट डिटेल्स ये सब यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद ये वाला फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉन्टेक्ट सब अकाउंट्स, तो यहाँ पर आप
अपने होस्टिंग का एक्सेस किसी और पर्सन को देना चाहते हो तो इस वो आप यहाँ से कर सकते हो। आप उस पर्सन के ये सब डिटेल्स यहाँ से डाल दीजिए, उसका ईमेल एड्रेस, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर, इसके बाद सब डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना होगा। और इसके बाद उसको सेव चेंजेस करके आप उस पर्सन को जो डिटेल्स है वो आप सेंड कर दीजिए और वो आपकी होस्टिंग एक्सेस कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको लाइव चैट का एक्सेस करना है, मतलब आपको कोई सपोर्ट चाहिए लाइव चैट का, तो यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये जो हमारी वेबसाइट है आप देख सकते हो कि जो पहले इसमें SSL है, तो इसमें आपको SSL इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। जैसे ही आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट ऐड करोगे और उसमें आप जैसे ही डोमेन डालोगे तो आपको SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये टूल में हम टेस्ट करेंगे हमारी वेबसाइट की TTFB, मतलब टाइम टू फर्स्ट बाइट। तो यहाँ पर हम डोमेन डाल देते हैं, इसके बाद करते हैं टेस्ट पर क्लिक। ओके गाइस, तो ये जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इसकी TTFB है वो बिल्कुल कम है, इसका मतलब यहाँ पर ये लोकेशन में देख सकते हो आप आम्स्टरडम में 110 मिली सेकेंड्स। तो आपकी विजिटर है और आपकी वेबसाइट का जो होस्टिंग है उसे कनेक्ट होने में सिर्फ इतना ही टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूयॉर्क में 48 सेकेंड्स। इसके बाद अगर आप कोई और शेयर होस्टिंग या और कोई होस्टिंग यूज करते होगे तो आपको उसमें आपका जो सर्वर का लोकेशन है वहाँ पर आपको कम TTFB देखने को मिलेगी, लेकिन आपको जो दूर के लोकेशन है, जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट का सर्वर न्यूयॉर्क में है और आपका विजिटर जैसे कि टोक्यो या बेंगलोर सिडनी जैसे कोई लोकेशन में है, तो उसमें उस विजिटर को बहुत ज़्यादा TTFB देखने को मिलेगी। उसका मतलब आपके विजिटर को थोड़ा टाइम वेट करना होगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट लोड होगी। तो रॉकेट होस्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसमें आप पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि इसमें क्लाउड पर एंटरप्राइज है, तो इससे एकदम फास्ट लोड होगी आपकी वेबसाइट। और अगर आपकी कोई बहुत वेबसाइट है ई कॉमर्स वाले जैसे कि, तो उसमें आप ये वाला होस्टिंग यूज़ कर सकते हो और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थोड़े दिनों में मैं इस होस्टिंग का स्पीड टेस्ट वाला वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें हम डिटेल इसका रिव्यू करेंगे और स्पीड टेस्ट करेंगे कि ये होस्टिंग आपको लेनी चाहिए या नहीं और इसकी स्पीड कितनी अच्छी है। तो स्टेट्स जो आपको मिलेंगे उसे आप इस होस्टिंग को किसी और होस्टिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो और आप इसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये होस्टिंग लेना है या नहीं। और आपको अगर ये होस्टिंग बाय करना है और आपको ये ट्राई करना है ऐसा कुछ, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक के पे क्लिक करोगे तो आपको जो ये ऑप्शन मिलेगा कि फर्स्ट मंथ है वो आपको सिर्फ $1 में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वाली ऑफर चाहिए तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप वो ये ऑफर को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।